अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसा रहा आपका दिन? और स्वागत है आपका दानिश ब्लॉग में। तो मैं दिखाता हूँ आपको शिमला कैसा लग रहा है सुबह सुबह। तो आज हम लोग निकलेंगे कुफरी की तरफ। यहाँ आकर के सबसे पहले आप बुकिंग करवा लें इस चीज़ का कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एक कार बुक कर ले। और हाँ, मोल मुलाई जरूर करें भाई, क्योंकि बहुत ही हाई फाई रेट बोलता है ये लोग और मोल मुलाई करने पे बहुत ही कम करते थे। जैसे हम लोग को अबाउट 3000 प्लस बोला गया था, तो हम लोग ने उसे कम मोल जोल करके लगभग 2000 में कर दिया। और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चार्ज लिया जाता है जाकू टेम्पल जाने का, तो उससे बचे, ये आपको उसी ट्रिप में ऐड कर लिया जाएगा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेगा 200-300 रुपया, वरना ऐसे स्पेशल जाकू टेम्पल जाने का 1000 रुपीज लेता है, तो उस चीज़ से बचे। तो आज अभी हम लोग प्लान बनाएंगे कुफरी की तरफ निकलने का। कुफरी से फिर उसके बाद और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन जिसे कवर करना है, तो टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। और हाँ, बोला गया है कि कहीं भी रुक करके आप फोटो खिंचा सकते हैं, सीनरी का मजा ले सकते हैं, तो वो भी कैप्चर करना है। ऊपर से आज मॉल रोड भी अभी तक मैं नहीं घुमा हूँ, रिज रोड भी नहीं घुमा हूँ, रात में ही घुमा हूँ अभी तक, तो उस चीज़ को भी कैप्चर करना है मुझे। तो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आने का, जल्द से जल्द आया तो तब मॉल रोड और रिज रोड वगैरह अच्छा से दिन के व्यू में कैप्चर कर सकूँगा, कुछ शॉपिंग कर सकूँगा, वरना फिर क्या बताऊँ, ऐसे ही आ जाना हो जाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए करते रहना पड़ेगा हमें। तो अभी मंगाया है हम लोगों ने कॉफ़ी आया नहीं है वैसे, कॉफ़ी आ रहा है तो, और कॉफ़ी आएगा सबसे पहले यहाँ पर रख के एक फ़ोटो खींचूँगा, बिल्कुल इस स्पॉट पर रख के फ़ोटो खींचूँगा, और फोटो खींचने के बाद अपलोड करूंगा इसे अपने इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और शेयर करें, शायद किसी ना किसी के काम आ जाएगा ये चीज़, मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाएगा। और ये मेरी मम्मी की सुबह की तैयारी हो रही है मम्मी ने नहा के उठा है अभी और उनका बाल सुखाया जा रहा है रख दे रही है मम्मी, पानी गर्म हुआ था आपका पानी मम्मी का गर्म नहीं हुआ, मेरी बहन ने सारा खत्म कर दिया था गर्म पानी और ये रहा वो व्यू पापी के रूम से। ये रहा वो व्यू। अभी बोला गया है कि होटल अगलैंड के पास हमारा कार खड़ा है, अब कहाँ पे है वो देखते हैं आके नीचे उतर के। और ये रहा हमारा होटल वाइट दोस्तों, ये रहा हमारा होटल वाइट। और ये रहे मेरे पापा बीच में बैठे हुए और अब खिड़की की तरफ। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ हॉर्स राइडिंग, ये कौन सा जगह है सर? नालदेरा का पूरा साइट ये हॉर्स राइडिंग पे ही होगा आज मेरा हमारा। और आप ही को देखिए पीछे में, हाय कर आप ही। और यहाँ पे 10 रुपये एंट्री टिकट लग रहा है हमारा। चलो अरे मेरी घोड़ी चलने स्टार्ट कर गई, घोड़ी है ना ये, घोड़ा है, क्या नाम है इसका? बादल। आराम लाइट है बादल पे। असल में यहाँ पे है गोल्फ कोर्स जो नेचुरली ऑकर किया है ना सर, सारे देवदार के पेड़ है, देवदार के पेड़ काफी महंगे बिकते हैं। ये पिकनिक स्पॉट है, ये पिकनिक स्पॉट है, कैंप लगते हैं रुकने के लिए, समर कैंप वगैरह ठहरने के लिए। समर कैंप में, समर में गर्मी के टाइम है ना, मई जून पे। अच्छा मई जून, जैसे स्कूल से कॉलेज के बच्चे आते हैं ना। अच्छा
उधर जाना है अलाउड है? हाँ गर्मियों में होता हो, मई जून पे ना। बाकी आगे में देख रहे हैं आप लोग, ये शूटिंग प्लेस है सामने में ना जी। ये शूटिंग प्लेसेस है, ओल्ड मूवी बना इस जगह पे ना, जिससे प्यार झुकता नहीं। अच्छा, अचानक राजू चाचा, राजू चाचा दोस्ती, माचिस, राज मूवी। अच्छा यहाँ पे बना है, मूवी बनी है पेड़ों के बीच में ना। ज्यादा तो बाहर निकलते हुए बोलते हैं। अरे मेरी बहन को देखो तो कैसा लग रहा है। आपी डर, हमें तो काफी मजा आ रहा है। सतलज रिवर है ये। अच्छा ये आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, मगर मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि सतलज रिवर है वहाँ पे। राफ्टिंग होता है उधर ना? उधर राफ्टिंग होता, अभी नहीं होगा ना। बाय कार 31 आजकल ही होता ही है ना, अभी होता है। जी हाँ। अच्छा ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, ट्रैकिंग होता उस पहाड़ पे ना 6-7 घंटे का। 6-7 घंटे ट्रैकिंग होता है। अच्छा शायद आपको दिखे या ना दिखे, मुझे दिख रही है, वो है शिमला की सबसे ऊंची पहाड़। ये सीन इसको ना 1905 में पॉइंट बनाया गया, बाकी नेचुरल है ये बना हुआ। नेचुरल बना हुआ ये। दीवाना मूवी देखा होगा ना, शाहरुख खान दिव्या ये दीवाने मूवी का शूटिंग यहाँ हुआ है। बाकी उतर के जा सकते। तो दोस्तों यहाँ शाहरुख खान की मूवी दीवाना जो सॉन्ग है ऐसी दीवानगी देखी कहीं नहीं, तो इस गाने की शूटिंग यही इसी जगह पे हुई है। इधर जाना अलाउड नहीं है हमें, क्योंकि ये नेचुरल गोल्फ कोर्स है, और मना इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। एक फोटोज यहाँ पे लो, ऐसे ये वाले आने चाहिए सीन। ठीक, और ये है यहाँ का नाग टेम्पल। हाँ लोग यहाँ पर गोल्फ खेल रहे हैं। तो हमारी सवारी शुरू, इसे बोलते हैं फुल पैसा वसूल ट्रिप। और दोस्तों यहाँ चढ़ाई देखिए आप, धीरे ये यहाँ का सी लेवल पे ना 7500 फीट है। ये 7500 फीट है, हम लोग यानी सी लेवल से 7500 फीट ऊपर है। ये टॉप का असेंबल है, ये टॉप का असेंबल है। बाकी सीधा सीधा उधर है भैया, ये इंडो चाइना बॉर्डर कहाँ पे हुआ? सामने बर्फ वाली पहाड़ी है। अच्छा सामने बर्फ वाली पहाड़ी है, हमें अब देखिए वो दिखेगा आपको, हम दिखाते हैं जूम करके, शायद दिख जाए आप लोगों को। हाँ ये दिख रहा होगा आपको, ये है आपका इंडो चाइना बॉर्डर। आप देख सकते हैं क्या हाइट है दोस्तों यहाँ पे, गाँव गाँव विलेज, पूरा विलेज वैसा हुआ है यहाँ पे। विलेज का नाम है कोकी। अप डाउन जो देखो सारे जगह खूबसूरती से भरा हुआ है। सब अच्छा लग रहा है, ये गोल्फ का एरिया है ना, नीचे गोल्फ का एरिया है। और अप्पी का घोड़ा घास खाते हुए और अप्पी के घोड़ा को लग गया भूख। तो हमारा हॉर्स राइडिंग पूरा हो गया दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दोस्तों हम लोग कुफरी में हैं और पर पर्सन हेड पर हेड का चार्ज पड़ रहा है 1000 सिक्स गेम का, और अगर हम लोग एडवेंचर और अम्यूजमेंट दोनों मिला दे तो 1500 पर पर्सन पड़ रहा है। तो उससे बढ़िया ड्राइवर साहब ने हमें बताया है कि 3 एडवेंचर और 3 अम्यूजमेंट ले ले तो यानी 1000 में हो जाता है। तो हम लोग वही करेंगे शायद, 3 एडवेंचर और 3 अम्यूजमेंट ले लेंगे तो हमें सस्ता भी पड़ेगा और मेन सामान मेन चीजें घूम भी लेंगे। तो वही करेंगे हम लोग कुछ।
ये दोनों तो बच्चे वाला है, ये तीन करेंगे, रिवर्स बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और ब्रिज क्लाइंबिंग करेंगे हम लोग यहाँ से, और इधर से कोई थ्री करेंगे हम लोग। मम्मी पापा जा रहे हैं अंदर और इसके पीछे हम लोग आएंगे टिकट कटा कर क्या अपने यहाँ पे। और ये रिवर्स बंजी जंपिंग है यहाँ पे। मैं नहीं कर रहा ये मतलब झटका देख रहे हो ना, मैं नहीं कर रहा ये भाई, उसके मुंह से मम्मी निकल गई, मैं नहीं कर रहा भाई। ये कुफरी से नीचे का नज़ारा और वो रहे अप्पी पापा मम्मी। भाई मैंने रिवर्स बंजी जंपिंग कर ली भाई, क्या भयानक फ्री फॉल हुआ भाई, बता नहीं सकता हूँ मैं, हालत ख़राब हो गया था मेरा, मैं फिर भी मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया, जान निकल गई थी। और मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम ये करें जो उतना टाइट ना करें, पूरा प्रेशर ना बनाए, तो भाई ने पूरी प्रेशर फिर भी बना दी, तो मेरा वज़न ज़्यादा था इसके कारण मैं घूमा नहीं, वरना मैं भी घूमता गोल गोल, मैं बच गया मैं बच गया भाई। जिप लाइनिंग में तो अब चले हम लोग जिप लाइनिंग करेंगे, और ये किसने नहीं किया रिवर्स बंजी जंपिंग, हमने तो किया भाई, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ होगी जिप लाइनिंग, हाँ हाँ नीचे मिलेंगे इधर देखो, ठीक है चलो, हाँ देखो पीछे पीछे, ठीक है मंडू से तो मैंने सारा एडवेंचर कर लिया, जिप लाइनिंग, पीजे वाला क्लाइंबिंग, क्या बोलते हैं रोपवे है समझ लीजिए, वहाँ पे भी एक वुड में है, बांस में चढ़ना था वो भी कर लिया, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल था इसलिए वहाँ पर किया नहीं मैंने। तो अब एम्यूज़मेंट का तीन बाकी है, तो एम्यूज़मेंट का करने अभी जा रहा हूँ मैं तीन को। हिप हिप हुर्रे, दोनों दोनों
हमारी जंपिंग भी हो गई, आप नहीं कर सकेंगे भाई, हालत खराब हो गया मेरा, पैर भी थर आ रहे थे, मगर मजा बहुत आया। और तो अंकल बोल रहे थे कि इससे भी ऊपर जाता था, तो हम लोगों ने कम कराया, मगर इससे भी ऊपर जाता था, तो चलो ठीक है, इतना ही बढ़िया ही है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का औकात है भाई मेरा। आप कुछ और दूसरा कुछ करेंगे अब पता नहीं क्या, मगर चलो करते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करने, तो इसके अंदर क्या है वो अंदर जाके पता चलेगा। यार दोस्तों मैं आ गया वर्चुअल रियलिटी से, रियलिटी से, और कुछ नहीं था भाई, भद्दा मजाक था वो, बोल रहे डर लगेगा डर लगेगा, कुछ नहीं है, वो बिच्छू आ जा रहा सामने में, पत्थर गिर रहा सामने में, कुछ नहीं है, वो खाली भद्दा मजाक है, बुलबक बनाया गया हमें। तो फिर में कुछ खाने का मिला हमें, मैं दिखाता हूँ। सारे के सारे 50 है क्या? नहीं 10 रुपीस वो 10 रुपए पत्ती है, वो भी आम पापड़ी है, ब्लैक वाले आम पापड़ी। हाँ जी, इमली फ्लेवर है, यूरे वाला गवा फ्लेवर है, सेंटर में कच्चे आम का है, परे ये कच्चे आम का है। ये क्या है? ये कौन सा? आंवला कैंडी। आंवला कैंडी है ये, फ्रूट वगैरह भी है यहाँ पे दोस्तों। ये क्या? और बहुत सारे चीज़ें, तो आप यहाँ आए तो ये सब भी ले सकते हैं। और एक सलाह, यहाँ आए तो कभी भी फूड ना खाएं, काफ़ी महंगा है यहाँ पे, चाय 125 रुपया करके दे रहा है, 150 रुपया 125 रुपया ले रहा है दो कप चाय का, तो सोच सकते हैं कितना महंगा है। 5 रुपया में एक कूलर चाय पीते हैं, मन भर जाता है हमारा, यहाँ पर 125 रुपया 150 रुपया देना पड़ता है, तो वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो बिल्कुल ना करें। और ये अंकल यहाँ पे अंगूरा रैबिट को रखे हैं, मेरा जॉनसन तो इतना बड़ा नहीं है, मगर ये काफ़ी खूबसूरत है। क्या नाम है आपके इस अंगूरा रैबिट का? चुन्नू जी। चुन्नू जी, चुन्नू बाबू। तो ये है वहाँ पर एक भाई, यहाँ का लोकल फ्रूट बेच रहे हैं। बढ़िया से। क्या ये परसिमन है भैया? लोकल फ्रूट है यहाँ का, यहाँ का परसिमन लोकल फ्रूट है। एक ब्रेड बना दीजिए मेरे को भी। हाँ मिक्स कितना? 50 का बना दीजिए। और परसिमन कितना रहता है उसमें? जितना अपना डालना हो। अप्पी अप्पी, परसिमन दो डलवा ले क्या? जितना होता उतना ही डाल दीजिएगा, ठीक है? ये भाई जी बना रहे हैं परसिमन का मिक्स, ये मेरा बना रहे हैं क्या जी? बना दीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सिर्फ कुफरी में बिकता है क्या? सर पूरे शिमला में बिकता है, हिमाचल में, शिमला का लोकल है ना ये, लोकल फूड है। अच्छा, शिमला में कहीं भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, शुक्रिया भैया। आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर जी। सर शुक्रिया।